विचार है। देखो, जब भी साधुओं का संग घर में हो जाए, गोस्वामी जी देते हैं बोलते हैं, हरि कथा और साधु संग ये दो चीज इतनी दुर्लभ है संसार में। कहते सुत दारा और वित्त पापी को भी होए। कोई पापी व्यक्ति होगा ना, पापी माने जिसने पूर्व कर्म जन्म में बहुत गंदे काम किए हो या इस जन्म में भी बहुत ही पाप कर्म वेद विरुद्ध कर्म कर रहा हो, तो उसके पास भी धन दौलत पैसा हो जाना ये हो सकता है। पैसा बाप दादों का कमाया हुआ है, इसको भी मिल गया, पापी था फिर भी इस घर में जन्म मिल गया, तो पैसा किसी को अनायास मिल सकता है। पैसा लगने पर कोई सौभाग्य उदय वाली बात नहीं है। किसी को सोचते हैं अच्छी छोकरी मिल जाए, शादी हो गई अच्छी बड़ी छोटी बढ़िया लड़की से, बोलो वो भी मिल जाता है। आज्ञाकारी बच्चे वगैरह मिल गए, बोलो वो भी अनायास हो जाता है। लेकिन क्या बतलाया, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। संत समागम और हरि कथा मतलब साधुओं का संग और भगवान की कथा, ये दोनों चीज इतनी दुर्लभ बताई है। कहता है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तूल न ताली सकल मिली जो सुख लव सत्संग। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया, कोई व्यक्ति इस जड़ जगत में क्या सोचता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा तो हम आनंद में रहेंगे, है ना। इस संसार का जितना आनंद है, कहते हैं स्वर्ग लोक में उससे ज्यादा आनंद है। यहां पर आप देखो, जैसे रसगुल्ला खाना बहुत बढ़िया लगता है, रसगुल्ला खाओ, एक खाओ, दो खाओ, तीन खाओ, थोड़े समय बाद में उससे विरक्ति हो जाती है। ज्यादा ज्यादा एक समय पे कितने खा पाओगे, 10 घर रसगुल्ले खा लोगे, है ना। लेकिन ये जो हमारा सेचुरेशन है, ये जो एक लिमिट आ जाती है, एक समय के बाद में हमें वो चीज अच्छी नहीं लगती। पहले रसगुल्ले में जितना रस आ रहा था वो 5वें रसगुल्ले में नहीं आएगा, और 10वें अगर मान लो जोर जबरदस्ती खा भी लिया तब तो उल्टी हो जाएगी, है ना। तो इस जड़ जगत में यहाँ संसार का नियम है, यहाँ पर जिस भी सुख भोग को सुख को आप भोगने की कोशिश करो, उसकी एक लिमिट है, उस लिमिट के बाद में बढ़िया नहीं लगेगा। कोई नई मूवी आई, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने गए, बहुत बढ़िया लगी, अभी घर में उसके डाउनलोड कर ली और एलईडी पे वही देख रहे हैं, 3 बार देख ली, 4 बार देख ली, 10 बार देख ली, उसके बाद में तो बोरिंग लगने लगेगी वही मूवी। फर्स्ट डे फर्स्ट शो में कितना आनंद आया था, लेकिन वही धीरे 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 कम होता जा रहा है। इस जगत की सारी चीजें ऐसी ही है, लेकिन बतलाते हैं इस संसार के जितना आनंद है उससे कहीं ज्यादा स्वर्ग लोक में है। स्वर्ग लोक से कहीं ज्यादा उनके ऊपर वाले लोकों में, जो मुक्ति लोक और ब्रह्मा जी के लोग इत्यादि इत्यादि है, उनमें इससे भी ज्यादा आनंद है। लेकिन क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग। कहते हैं एक तराजू ले लो, तराजू के एक तरफ स्वर्ग का सुख रख दो। इस जड़ जगत के सुख की तो उन्होंने बात ही नहीं करी, ये तो बहुत तुच्छ है। जो स्वर्ग के देवता लोग हैं, इंद्र चंद्र इत्यादि, उन लोग को हमसे भी ज्यादा भोग वृत्ति होती है, उनको उनको और ज्यादा उनका सेचुरेशन और ज्यादा हाई होता है। तो कहते हैं उनका सुख स्वर्ग का सुख मान लो, और जो मुक्ति में जो सुख है उसको अगर पलड़े के एक तरफ रखो, तराजू को एक पलड़े में रखो, और दूसरे तरफ एक लव साधु संघ। कितना लव कितना होता है, कहते हैं 24 घंटे होते हैं ना, 24 घंटे उसमें से 1 घंटा 60 मिनट्स, अगर वो 60 मिनट का भी अगर बाइफर्केशन करो तो सेकंड्स में, है ना, 1 सेकंड का अगर 11 भाग कर दो, 1 सेकंड का 11 भाग कर दो तो 1 भाग होगा एक लव। तो वो एक लव साधु संघ तराजू के एक तरफ रखो, और बाकी स्वर्ग सुख और दूसरे सारे अनगिनत समय के लिए वो दूसरी तरफ रखो। कहते हैं ये साधु संघ का पलड़ा भारी होगा, ये साधु संघ की इतनी महिमा है। अब यहां प्रश्न उठता है कि साधु संघ की इतनी महिमा कैसे हो गई। पुराणों में देखो एक कथा आती है, कभी नारद जी को भी ये संशय हो गए, नारद जी भगवान के पास में गए, बोले प्रभु आपके सब लोग कहते हैं साधु संघ सर्व शास्त्र कहे, साधु संघ के सभी शास्त्रों में बड़ी महिमा बताई गई है, अरे साधु संघ से आखिर आप मुझे थोड़ी साधु की महिमा तो बतलाओ, मैं तो इस चीज को समझ नहीं पाया। भगवान कहते हैं नारद जी तुम एक काम करो, उस जंगल में चले जाओ, उस जंगल में एक वहां पर गिरगिट होगा, एक गिरगिट होगा, तुम उससे पूछना वो गिरगिट तुम्हें साधु संघ की महिमा बतलाएगा। बोले गिरगिट का भी बोलता है, गिरगिट कैसे साधु संघ की महिमा बतलाएगा, बोले तुम जाओ तो मेरा आदेश पालन करो। गए नारद जी उस जंगल में, देखा एक पेड़ के ऊपर गिरगिट था, उससे पूछा बोले भगवान ने तुम्हारे पास में साधु संघ की महिमा जानने के लिए भेजा है, तुम कुछ बतलाओ। तो गिरगिट ऐसे सर हिलाने लगा, देखा है गिरगिट, देखा है ना कैसे रंग बदलता है, कैसे सर हिलाता है, ऐसे गिरगिट वैसे सर हिलाने लगा। नारद जी पूछे बोले साधु संघ की महिमा बताओ, ऐसे सर क्या हिला रहे हो। थोड़ी देर में क्या हुआ, गिरगिट मर गया। नारद जी तो देखकर हैरान हो गए, बोले क्या भगवान ने मेरे को इसके पास में भेजा साधु संघ की महिमा जानने के लिए, और ये तो मेरी बात सुनते ही मर गया।
वापस भगवान के पास मैं बोले, क्या प्रभु आपने मेरे से एक जीव हत्या करवा दी? मैं तो साधु संघ की महिमा जानना चाह रहा हूँ, आप बतलाओ ना सीधा सीधा। बोले, नारद जी एक काम करो, अभी अमुक जंगल में चले जाओ, वहां पे एक तोता होगा, वो तोता तुम्हें साधु संघ की महिमा बतलाएगा। बोले, तोता? बोले हाँ, तोता बतलाएगा। नारद जी पहुंच गए तोते के पास में। कहाँ पहुंचे? तोते से पूछा साधु संघ की महिमा। तोता भी एक बार दो बार ऐसे सर हिलाया और तोते ने भी प्राण छोड़ दिए, तोता भी मर गया। नारद जी तो अब मन ही मन सोच रहे, भैया मेरे कारण दो दो जीवों की हत्या हो गई, प्रभु सीधा सीधा तो उत्तर दे नहीं रहे, कभी यहाँ भेजते हैं कभी वहां भेजते हैं। वापस जब आए वैकुंठ लोग, बोले प्रभु वो तो तोता भी मर गया, मेरे प्रश्न का उत्तर तो उसने दिया नहीं, तोता भी मर गया। अभी नारद जी को ठाकुर कहते हैं, बोले तुम एक काम करो, इस गांव के अंदर एक गैया ने बछड़ा जन्म दिया है अभी अभी, वो नवजात बछड़ा जो है वो तुम्हें साधु संघ की महिमा बतलाएगा, उसके पास चले जाओ। नारद जी सोच रहे, बोले सच में इस बार होगा ना? बोले हाँ हाँ इस बार तुम जाओ, वो बछड़ा बोलेगा तुम्हें। नारद जी आए अभी बछड़े के पास में, उससे भी पूछा, बछड़ा भी प्राण छोड़ दिए, बछड़ा भी मर गया। अभी तो नारद जी से बिल्कुल रहा नहीं गया, बोले प्रभु के कारण कहाँ मैं तीन तीन लोगों की हत्या का कारण बन गया, अभी जाता हूं भगवान के पास में। वैकुंठ में आए, प्रभु जी से प्रश्न करने लगे, बोले क्या ठाकुर जी तीन तीन व्यक्ति की हत्या हो गई? अरे साधु संघ की सीधी सीधी महिमा है, आप बतलाओ ना। बोले अच्छा एक लास्ट बार, ये लास्ट टाइम है, तुम एक काम करो, इस राज्य के अंदर एक जो राजा है उसके अभी अभी बेटा हुआ है, राजकुमार जन्म लिया है, वो राजकुमार तुम्हें साधु संघ की महिमा बतलाएगा। अभी नारद जी डरते डरते पहुंच गए, बोले वापस कहीं ये भी मर ना जाए। जैसे उस राज्य में पहुंचे, देखा उस राजा के महल में राजकुमार ने जन्म लिया है। राजकुमार के पलने में के पास में गए और उससे पूछा, बोले भगवान ने तुम्हारे पास में भेजा है, साधु संघ की थोड़ी महिमा मुझे बताओ। इतना सुनते ही तो बच्चा रोने लग गया, बच्चा रोने लग गया। और नारद जी सोचे कि भैया इसका भी काम तो हम होने वाला है। नारद जी तो वहां से भागने लगे, लेकिन वो बच्चा जो था ना, वो बच्चा जन्म से गूंगा था। बच्चे जब जन्म लेते हैं, आपने देखा होगा बच्चा जन्म लेते ही रोता है, अगर बच्चा नहीं रोएगा तो उसके परिवार वाले रोते हैं, बच्चा पैदा होते ही रो नहीं रहा मतलब वो गूंगा है ना। तो राजकुमार ने जब से जन्म लिया था वो राजकुमार गूंगा था, उसने रोया नहीं था, लेकिन जैसे ही नारद जी के वचन सुने तो फिर वो रोने लग गया और पूरे महल में तो हल्ला हो गया। सारे सिपाही दास दासियों ने जाकर राजा को खबर दी, बोले राजा राजा तुम्हारा बेटा जो जन्म से गूंगा था वो भी रोने लगा है, लगता है उसकी आवाज आ गई है, तुम जल्दी आओ। बोले ये एकदम से बचपन से तो ऐसा नहीं था, मैंने जन्म जब से लिया तब से तो रोया नहीं, अभी कैसे रोने लग गया? बोले कोई एक बाबा आया था बच्चे के पालने के पास में, जाके पता नहीं क्या बोला, उससे रोने लग गया। बोले उन बाबा को ले आओ, जल्दी ले आओ उनको। सिपाही गए खोजते खोजते, बोले बाबा रुको रुको रुको। नारद जी तो और जल्दी जल्दी भागने लगे वहां से, बोले राजा तो पकड़ के मुझे तुरंत फांसी पे चढ़ा देंगे। नारद जी भागने लगे वहां से, लेकिन सिपाहियों ने बोला, बोले बाबा रुक जाओ, बोले राजा ने आपको बुलाया है और आपसे मिलना चाहते हैं। नारद जी डरते डराते आए, बैठ जाओ वही सोफे बैठ जाओ, बाद में कर लेना अपना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो नारद जी को अभी सिपाही लोग लेकर आ रहे हैं राजा के पास में। नारद जी मनी मन विचार कर रहे हैं कि भैया ये भी रोने लग गया था, कहीं सच में मर तो नहीं गया बाकी तीन की तरह। और जैसे ही नारद जी पहुंचे सभा के अंदर, तो वो जो छोटा बच्चा था नवजात शिशु, वो स्वयं बोलने लग गया, बोले नारद जी अब समझ में आया कि नहीं? बोले क्या समझ में आया? बोले आप साधु संघ की महिमा जानना चाहते थे ना, ये साधु संघ की महिमा ही है, आप साक्षात देख लो। आपको ठाकुर जी ने जब पहली बार भेजा था गिरगिट के पास में, वो गिरगिट में ही था, आपका दर्शन करने मात्र से मेरी वो गिरगिट योनी, गिरगिट को बताया निकृष्ट योनी है, मेरी वो गिरगिट योनी छूट गई और उससे उत्तम योनी में थोड़ी पंछी की योनी में प्राप्त हुआ। बाद में जब ठाकुर जी ने आपको तोते के पास में भेजा, वो तोता भी मैं ही था, आपके दर्शन करने से आपकी मुख निश्रित वाणी श्रवण करने से मेरी वो तोता का जो शरीर था वो भी छूट गया, उससे उत्तम जन्म मिला मुझे, क्या बछड़ा, गाय का जो जन्म बतलाया ना, गाय के अंदर सारे देवी देवताओं के वास होते, 33 करोड़ देवी देवता गाय के शरीर में, गाय के गोमूत्र और गोबर के अंदर तो लक्ष्मी और सरस्वती का वास होता है ना गाय, इसलिए जस्ट बतलाते हैं कि गाय का जन्म जिसको प्राप्त हुआ है उसके बाद में ही मनुष्यों नहीं प्राप्त होती है ना। तो गाय का जन्म धीरे 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 उत्तम उनकी उन्नति हो रही है, तो गाय के बछड़े का जन्म मिला। अब आपने जब मुझे वहां पे दर्शन दिया तो उससे मेरा वो शरीर भी छूट गया और अब जाकर देखो मैं मनुष्य योनि में, वो भी राजा के घर में, राजा के घर में मैंने जन्म तो लिया लेकिन जन्म लेने पर भी मैं गूंगा था। अभी यहां पर आकर जब आपने मुझे दर्शन दिया तो आपके दर्शन देने से ही मैं वाचाल हो गया, मैं बोलने लग गया,
कहते हैं ना, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंगयते गिरिम यत कृपा तमाम वंदे श्री गुरु दीन तारणे। साधुओं की, गुरु जी की, वैष्णवों की महिमा ऐसी होती कि उनकी महिमा से जो गूंगा है वो भी वाचाल हो जाता है, बोलने लगता है। और पंगु लंगयते गिरिम, क्या करता है, एक लंगड़ा भी पर्वत पार कर सकता है। ये साधुओं की महिमा है, इसलिए साधु संघ की महिमा स्वयं वहां पर छोटा बच्चा बताने लगा कि नारद जी आपके दर्शन मात्र से ही, आपके मुख निस्तृत वाणी श्रवण करने मात्र से ही मेरी उन्नति होती रही और आज मैं राजा के घर में राजकुमार होकर मिला हूं। इसलिए आज हमको जो साधु संघ मिला है बड़े भाग्य का दिवस है। साधारणतः लोगों को क्या लगता है कि पैसा प्राप्त हो जाना, अच्छा घर परिवार मिल जाना, अच्छी नौकरी लग जाना, इसी में ही बहुत अपना भला मानते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये मेरी कपट कृपा है, ये मेरी असली कृपा नहीं है। अगर मैं किसी जीव को ठगना चाहता हूं ना, तो उसको इसी जड़ जगत के पैसा, प्रॉपर्टी, धन दौलत इत्यादि, प्रेस्टीजियस, ये सब लाइफ देके और मैं उसको ठग लेता हूँ, चीट कर लेता हूँ। लेकिन अगर मेरे को सच में किसी के ऊपर कृपा करनी होती है तो मैं उससे अपने संत से मिलवा देता हूँ, मेरे शुद्ध भक्तों से मिलवा देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे शुद्ध भक्तों का जब वो संग करेगा तभी उसे ज्ञान होगा कि भैया हम कितने दुख पा रहे हैं इस जड़ जगत के अंदर। विचार करके देखो, आप अपनी लाइफ में सब चेष्टा करते हैं सुखी रहने के लिए, है ना, सब चाहते हैं खुशी रहना, मौज में रहना। खुश रहने के लिए आदमी लोग जो है क्या करते हैं, सुबह होते ही निकल लेते हैं अपना नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं। महिलाएं क्या करती है, घर का काम वगैरह संभालती है, परिवार में सुख ढूंढती है, सब चेष्टा करते हैं खुश रहने के लिए। बच्चे अपनी पढ़ाई करते हैं, पढ़ लिख के कुछ अच्छा बनना चाहते हैं, सब चेष्टा कर रहे हैं सुखी रहने के लिए। लेकिन सब किसी न किसी तरीके से दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी कृष्ण का दास। गोस्वामी जी कहते हैं थोड़े थोड़े सब दुखी किसी न किसी बात से, कोई किसी के शरीर में रोग है, किसी का मन शांत नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास ज्यादा पैसा है तो उसकी टेंशन है, किसी को परिवार से दिक्कत है, किसी पति नहीं सुनता, बच्चे बात नहीं सुनते, पत्नी मेरी नहीं चलने देती, तरह तरह की परेशानियां, सबको किसी न किसी माध्यम का दुख है। लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान का, भगवान के भक्तों का संग करेगा तब उसे ज्ञान हो गई भैया हमारे इस दुख का कारण क्या है। जानते हो हमारे इस दुख का कारण क्या है? हमारे इस दुख का कारण है कि हमने भगवान को भूल गए, हम भगवान को भूल गए। हम भगवान को भूल के और कोशिश कर रहे हैं इस जड़ जगत में सुख ढूंढने की। लेकिन भगवान गीता में कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। भगवान कहते हैं ये जैसे हम किसी लाइब्रेरी में गए, लाइब्रेरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, पुस्तकालय, पुस्तकालय है ना, पुस्तकालय में क्या मिलेगी, पुस्तक, पुस्तक मिलेगी। हम गए भोजनालय में, भोजन मिलेगा। ऐसे भगवान कह रहे हैं ये दुखालय है, ये संसार दुखालय है, तो यहाँ पर दुख ही दुख मिलेगा। क्षणिक सुख मिलता है, एक राई के बीज के बराबर एक सुख मिलता है, और ढेर सारा दुख, एक पर्वत की भांति दुख। तो हम इस जड़ जगत में सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सुख यहाँ है नहीं, सुख यहाँ है नहीं। सुख एकमात्र है भगवान की भजन में, भगवान की सेवा में। तो इसीलिए साधु संघ के माध्यम से, हरि कथा के माध्यम से ही हमको ये ज्ञान होता है। साधु लोग जब घर में आते हैं तभी हमें ये उपदेश देते हैं कि भैया ये हमारा घर नहीं है, यहाँ जो हम इतने बड़े बड़े घर बनाकर बैठे हैं, यहाँ जो हम परमानेंट सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा घर भी नहीं है और यहाँ से हमको एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा। जब मृत्यु होगी उस समय पर सब छोड़ के जाना पड़ेगा कि नहीं, सबको छोड़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो इसीलिए साधु लोग हमको आकर बताते कि भैया जहां जाना है वहां की तैयारी करो, यहाँ से ऊटी शिमला कहीं भी हिल स्टेशन पर जाओगे तो उसके लिए पैकिंग वगैरह करते हैं, लगेज पैक करते हैं, सर्दी के कपड़े, हीटर वगैरह जो भी चीज सही होता है सब रखते हैं कि नहीं। भगवान के धाम में अगर जाना चाहते हो या मरने के बाद जहां की यात्रा करनी पड़ेगी उसके लिए क्या तैयारी है, हरि नाम। उसके लिए तैयारी है हरि नाम। इसलिए कलयुग के अंदर गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कहते हैं सतयुग के अंदर लोग यज्ञ करते थे, अरे भैया मृत्यु के बाद का जो जीवन है उसके बारे में सब कोई चिंता रहती है, तो सतयुग के अंदर लोग यज्ञ करते थे, तपस्या करते थे और भगवान की पूजा अर्चना ये सब पूर्व पूर्व युगों में करते थे। लेकिन अभी कलयुग का जीव यज्ञ तपस्या भगवान का अर्चन ये सब नहीं कर सकता, इसलिए क्या करते हैं, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार आप लोग बोलो, मैं सुनूंगा, किस किस को आता है। कुछ लोगों का तो मुंह नहीं खुल रहा है। कुछ परे
परिश्रम लगा? कुछ मेहनत लगी? कुछ मेहनत नहीं लगी ना। भगवान ने इतना सरल उपाय दे दिया है कलयुग के अंदर कि केवल मात्र बस मेरा ही नाम करो। ये हरे कृष्ण महामंत्र जो हमने जप किया, इसके अंदर देखो तीन शब्द हैं, हरे कृष्ण और राम। हरे का अर्थ होता है जो हमारे दुख कष्ट को हर ले, हमारे दुख कष्ट को जो हरण कर ले। भगवान हरि है ना, हरि मतलब वो सब चीज हर लेते हैं, हमारे जितने सारे दुख कष्ट हैं वो भगवान हर लेंगे। और उसके बाद में दूसरा नाम है कृष्ण, कृष्ण मतलब कर्षति इति, कृष्ण मतलब जो आकर्षण करे। कृष्ण कितना सुंदर स्वरूप है, देखा ना, वो कृष्ण हम सबको आकर्षित करते हैं। हमारे मन बड़ा चंचल है, ये मन जब तक शांत नहीं हो ना, तब तक कितना ही आप एसी रूम्स में बैठे हो, जकूजी बेड के ऊपर हो, सब चीज बहुत आनंद में हो, लेकिन फिर भी चैन में नहीं रह सकते, है ना। तो मन की शांति कैसे मिलेगी, कहते हैं ये कृष्ण नाम से, हमारे चंचल मन को जो आकर्षित करके और शांति प्रदान करे, आनंद प्रदान करे, वो है कृष्ण। और राम, राम अर्थात जो हमें जीवन में आराम दे, है ना। तो इसलिए क्या करना है, ये हरे कृष्ण महामंत्र का यदि जप करोगे, सारे दुख कष्ट दूर चले जाएंगे, चंचल मन को शांति मिलेगी और हमारे जीवन में भी आनंद आनंद रहेगा। चाहते तो यही है ना, आराम से सब रहना चाहते हैं, दुख कष्ट भोगना नहीं चाहते हैं, है ना, मन की शांति चाहते हैं। केवल मात्र मिलेगा ये हरि नाम करने से, भगवान का नाम जप करने से। अगर इसके अलावा और कोई उपाय करोगे तो उसमें इतनी सक्सेस नहीं है। इसलिए जैसे क्लास में डफर स्टूडेंट होता है ना, तो डफर स्टूडेंट के लिए टीचर्स क्या करते हैं, उसको ग्रेस मार्क्स दे देते हैं, बोले भैया कैसे ना कैसे क्लास से निकल तो जाए, पास हो जा तू, है ना। ऐसे ही भगवान जानते हैं कि हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए कलयुग का जीव के लिए भगवान ने ग्रेस मार्क्स दे दिए। बोले क्या ग्रेस है, बोले तुम बस ये भगवान का नाम जप करो, भगवान का नाम जप करो और अपने जीवन सुखी में रहो, है ना। तो इस भगवान के नाम को देखो, सारे काम होते रहेंगे लेकिन भगवान का भजन अगर अपने जीवन में जोड़ दोगे तो फिर सब चीज ठीक हो जाएगी। अपने घर को क्या मानो, ठाकुर जी का मंदिर मानो। गोस्वामी जी कहते हैं, कर से कर्म करह विधि नाना, मन राखे जहां कृपा निधाना। मने हाथों से कर से कर्म करह विधि नाना, सारे तरह के काम करो लेकिन मन को कहां रखो, बोले जहां कृपा निधाना, जहां भगवान है, भगवान को केंद्र में रख के, भगवान को मन में रख के और सारे काम करो तो आपकी सारी सेवा हो जाएगी। और मुंह से भगवान का नाम लो, ये बस सिंपल सा सोल्यूशन है अगर सुखी होना चाहते हो तो, बाकी तो दुख भोग ही रहे हैं, ठीक है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। कल जोर से बोलो बहुत बढ़िया दिन है। हाँ, घर का मालिक कौन है, क्या नाम है, क्या नाम है, माधव प्रिया दासी आपने दिया, माधवी दासी, अच्छी बात है। आज बड़े भाग्य का दिन है जो हमारे माधवी दीदी अपना घर में संतों को बुलाए, घर में हरि कथा भगवान के कीर्तन हो रहे, ये बड़े भाग्य से ये चीजें मिलती है। ये बात शंकर जी पार्वती को कहते हैं, कौन कह रहे हैं, शंकर जी। आप देखना, कोई अगर एरे गेरे व्यक्ति कोई बात करे ना, उसका कोई महत्व नहीं देते, लेकिन अगर कोई बहुत बड़े व्यक्ति कोई बोले ना, बोले भैया जो प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं जरूर कुछ दम है। ये बात को स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम, शंकर जी स्वयं कहते हैं, किसको, साधारण व्यक्ति श्रोता नहीं, कि जगदम्बा जगत जननी माँ स्वयं देवी को कह रहे हैं, जिसको घर घर में हम पूजा करते हैं। कहते पार्वती, कहते सत संगति दुर्लभ संसारा निमिषा दंड भर एक बार। हे पार्वती, अगर जीवन में एक लव है, अगर थोड़ी समय, अगर एक निमिष, अगर जीवन में सत्संग मिल जाए तो पार्वती जीवन हमारी धन्य हो जाती है। इसलिए बड़े भाग्य से ये सत्संग जीव को मिलता है, ठीक है ना। इसलिए जब हनुमान जी लंका में जब माता सीता को ढूंढने के लिए गए, जब उन्होंने विभीषण से मुलाकात हुई, जब विभीषण को पता चला हनुमान जी कौन है, बोले राम के सबसे प्यारे भक्त श्री हनुमान जी, तो विभीषण कहता है, आज मैं भाव भरसा हनुमंता बिनु हरि कृपा बिना मिल ही नहीं सकता है। कहता आज लगता है
मेरे ऊपर में प्रभु राम की कोई कृपा हो गई है, जो जीवन में हमें भगवान के सबसे प्यारे भगत श्री हनुमान जी मिल गए। संत मिल जाए तो कौन मिल जाते, मेरे ठाकुर उसको मिल जाते, पर ठाकुर मिलने का कोई देर नहीं है। भगवान डायरेक्ट जीवों के ऊपर कृपा नहीं करते हैं, वो संतों के माध्यम से करते हैं। बस विभीषण हनुमान जी से मिले तो प्रभु राम ही मिल गए, प्रभु राम ही साक्षात मिल गए। देखो भागव रामायण में जिनका नाम स्वर्ण का अक्षर में जिनका नाम लिख गया है, इसलिए जब सत्संग मिल जाए समझो ठाकुर और मिलने के लिए देर कोई नहीं, जल्दी जल्दी हमें ठाकुर जी मिलेंगे। अभी ठाकुर जी मिलेंगे कैसे, हमें जीवन में ठाकुर जी कैसे मिले, बोले ठाकुर तभी मिलेंगे जब भगवान के नाम करेंगे। इसलिए बोले भगवान कलयुग में अपना नाम रूप में कलयुग में ठाकुर जी आए, इसलिए कहते ना हरि से बड़ा हरि का नाम है। कहते भैया नाम करने से क्या होता है, कोई बोले हरि नाम करने से क्या होता है, हमें पता नहीं भगवान के नाम में कितने शक्ति। भगवान खुद कहते हैं अगर तुम मेरे नाम जपोगे तो तुमको 7 फायदा होगा। कितना फायदा होगा, क्या क्या, अभी मैं बोलूंगा बाद में फिर आपको पूछूंगा, देखो कौन बोल पाता है। ये भगवान स्वयं कहते हैं नाम की कितने महिमा है, ये ठाकुर जी स्वयं कहते हैं। कहते पहला लाभ है, कहते चेत दर्पण मार्जनम। उदाहरण दिया, हमारे जो हृदय है ना एक शीशा है, अगर शीशा में अगर मैला जम जाए फिर अपना सूरत दिखती है, नहीं दिखती है, इसलिए क्या करो उसको साफ कर दो फिर उसमें अपना चेहरा दिखेगा। कहते उसी तरह हमारे हृदय में तो भक्त ठाकुर जी दिखने चाहिए, लेकिन अभी हमारे हृदय में ठाकुर जी नहीं दिखते। आंख बंद कर देखो सारा दुनिया आधार ही दिखेगा, ठाकुर ही नहीं दिखेंगे। ठाकुर नहीं दिखेगा तो दुनिया तेरे दिखेगा, क्यों, हमारे हृदय में जन्म जन्मांतर का धूल जम गया है। कहते अगर कपड़े में अगर धूल जम जाए, हम साबुन सोडा से साफ कर देते हैं, लेकिन दिल का जो धूल को कैसे साफ करोगे। दिल का अगर शीशा को साफ करना चाहते हो, भगवान कहते हैं भगवान के नाम को जप करोगे तुम्हारी हृदय तुम्हारी साफ हो जाएगी। पहला लाभ है हृदय तुम्हारी साफ हो जाएगी। बोले दूसरा लाभ क्या है, बोले भव महादावाग्नि निर्पापणम। उन्होंने उदाहरण दिया जो संसार है यह दावानल है। दावानल किसको कहते हैं, जब जंगल में लकड़ी से लकड़ी घिस कर जब आग निकले, साधारण कहीं आग लग गया तो फायर विकेट में उसको बुझा सकते हैं, लेकिन अगर जंगल में कहीं आग लगा तो बुझेगा, वहां फायर विकेट कोई काम नहीं करेगा, जंगल को जंगल जला देती है। कभी जो संसार है इसमें उदाहरण दिया, इसमें सबके सब जल रहे, अभी बता रहे थे ना, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई है अलग अलग, कोई सास से, कोई ननद से, कोई ससुर से दुखी, दुखी 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 दुनिया है। इसलिए फिर इसी जीवन में, लेकिन अगर कहीं अगर जो मानव शरीर है तो 84 लाख के जीवन को बाद में मिले, अगर कहीं बकरी जीवन हो गया, देखा ना मुसलमान सीधा टांग को लटका करके चमड़ा उतार लेते हैं, कहीं मुर्गा जीवन होता है जैसे कपड़े के निचोड़ते ना सीधा गले को घोट देती है, हैं? इसलिए गैया जन्म हो गया, कहीं मुसलमान के हाथ में पड़ गया तो सीधा सीधा चमड़ा उतार देती है, हैं? पेड़ जन्म हो गया तो खड़े रहो, भूख भूख लगने पर भी पानी नहीं मांग सकते। बोले जो संसार में जो अग्नि आग लगी हुई, कहते ये दुख दुख दूर कैसे होगी, दुख दूर भगवान खुद कहते हैं, बोले सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब भगवान के नाम जप करेंगे सारे दुख दूर हो जाएगा। देखो हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान जी दिन भर रघुपति राघव राजा राम पतित पावन, दिन भर प्रभु का नाम ही जप करते हैं। खुद का दुख तो दूर हुए, कहते ना महावीर जब नाम सुना भी भूत पिशाच निकट नहीं आवे, बोलते हैं ना, खुद तो दुख दूर क्या, सबका दुनिया का दुख भी दूर करते हैं। इसलिए भगवान के नाम जप करने से समस्त दुख दूर हो जाएगा। बोले तीसरा लाभ क्या है, बोले विद्या बधु जीवन। उदाहरण दिया है जो विद्या जैसे हम पढ़ाई करते हैं, उसको एक बहू को साथ में उदाहरण दिया, कहती है विद्यारूपी जो बधु है इसका जीवन कौन है, बोले इसका जीवन है भगवान की नाम, ठाकुर जी की नाम। मतलब है जो हम जो लिखाई पढ़ाई कर रहे हैं, ये लिखाई पढ़ करके इसका लाभ क्या है, लिखाई पढ़ा करके क्या मिले, तभी ये लिखाई पढ़ाई का सार्थकता है। सार्थकता है जब भगवान के नाम को हम जप करेंगे तभी ये लिखाई पढ़ाई तुम्हारी सार्थकता है। अगर सबने हम लिखाई पढ़ाई कर दिया सारा दुनिया की, लेकिन भगवान के नाम में ही तुम्हारी रुचि नहीं हुई,
तुम्हारे प्रभु का नाम है रुचि, सबके सब जीरो है, ये सबके सब तुम्हारी जीरो है, हैं? इसलिए इसलिए देखना अंतिम समय में यही तो बोलते बोलते ले जाएंगे, राम नाम सत्य है, यही बोलते ना, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बल गत्य है, सब कोई वह झूठा, यही बोलते नहीं कि नहीं? इसका मतलब क्या, जीवन में जितने राम और कृष्ण का नाम लिया वही सत्य, और जगत में सबके सब झूठा है, हैं? इसलिए कहते पढ़ाई लिखाई की तभी सार्थकता है जब भगवान के नाम में तुम्हारी रुचि हो जाए। तो गुरु जी के छोटी सी कहानी सुनाते थे, अच्छा तरह से सुनो। बोले एक समय कुछ बच्चे नदी पार कर रहे थे, लेकिन जो नदी है ना बहुत लंबी चौड़ी थी, उसमें कोई सीए था, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, जो पार कर रहे थे उसमें जो इंजीनियर था नाव वाले से पूछता है, बोले तेरे को इंजीनियर के बारे में कुछ पता? बोले भैया इंजीनियर क्या होता है? बोले तेरे को पता नहीं? बोले नहीं, मैं तो नाव चला कर दो पैसा कमा कर पेट पालता हूँ। बोले तुम्हारा तो 25% जीवन गया, और थोड़ी दूर गया जो सीए कर रहा था। बोले सीए के बारे में तेरे को पता? बोले मेरे को कुछ पता ही नहीं। बोले तुम्हारा तो 50% बेकार गया, और थोड़ी दूर गया जो डॉक्टर था, उसने पूछा डॉक्टर के बारे में तेरे को कुछ पता? बोले वो क्या होता है? बोले तेरे को पता नहीं? बोले तुम्हारा तो 75% जीवन तुम्हारी बेकार। अब जब बीच दरिया में जब नाव आ गया ना, कोई डॉक्टर इंजीनियर सब पढ़ लिख गए, लेकिन जो असली बीए और तुम बीए सब पावर सब बीए बीए बैठे सब 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 पंडित सब के सब पंडित सब के सब सबके सब पंडित हो। हाँ देखो सुना इधर, दो अच्छे पढ़े उल्टे हरे कृष्णा। सुना इधर, अब देखना जब पढ़ाई लिखाई करते ना, इधर सुनो, जब पढ़ाई लिखाई करते हैं ना बच्चा, जब क्लास 5 में आता है, ध्यान से सुनो, जब इधर मैं एक अच्छी बात समझाना चाह रहा हूँ, जब क्लास 5 में आता है बच्चा, घर वाले क्या कहते हैं, बच्चा 5 क्लास बढ़िया से पढ़ ले, हैं, पास पर बेड़ा पार हो जाएगा। बच्चा क्लास 5 पढ़ लिया। बोले 10th जब आता है ना, बोले बोर्ड का अच्छी तरह से पढ़ाई करो, फिर 10th भी कर लेते हैं, बोले दुनिया पढ़ता है। बोले 12th जब आता है, बोले भैया अभी तो कौन सा सब्जेक्ट लेकर पढ़ोगे, अभी स्थिर होगा। 12th भी बढ़िया से पढ़ लिया, उसके बाद में बोले दुनिया पढ़ते हैं, कोई सब्जेक्ट लेकर पढ़ो, कोई सीए, कोई डॉक्टर इंजीनियर करता है। जब उसको पढ़ ले, बोले इसको अच्छे तरह से कर लो, फिर नौकरी मिल जाएगी। फिर पढ़ लिया, उसके बाद में कहते देखो इतना पढ़ाई लिखाई क्यों किया, नौकरी के लिए तो क्या है ना, कोई नौकरी ढूंढो। अभी नौकरी ढूंढ लिया, नौकरी के बाद में कहते नौकरी किस लिए कर रहे हो, इतने पढ़ाई लिखाई क्यों की, शादी के लिए, शादी के लिए थी क्या, घर में अच्छी घर है, कोई अच्छी छोरी मिल जाए, अच्छा कोई छोरा मिल जाए, इसलिए तो किया है ना, शादी करो, शादी किया। बोले दुनिया शादी करता है, बच्चे जन्म दो, अभी बच्चे जन्म दिया। बोले दुनिया बच्चे जन्म देता है, उसका पढ़ाई लिखाई करो, उसको पढ़ाई लिखाई कर दिया, फिर बच्चों को शादी करवा। अब देखना ऐसे करते करते जब पूरा जिंदगी बीत जाती है, जब जिंदगी बीत जाती है, फिर क्या बताए, जब वो व्यक्ति शरीर ही छोड़ता है। ए, क्या बात कर रहे हो पीछे पीछे, इधर सुना, इसलिए सुना इस बात को, अंतिम समय में क्या होता है, जब सारा दुनिया लिखा पढ़ा शादी शुदा बच्चे जन्म दे करके उनको जो पढ़ाई लिखाई कर देता है ना, जब ये शरीर छूट जाती है, हैं? जो चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, क्या क्या बोलते बोलते लेते हैं, देखो उसको कहते हैं क्यों ये बात सुनाते, बोले देख बेटा तेरे को जो बोला था क्लास 5 कर ले ये झूठा था, जो 10th कर लो ये झूठा था, 12th कर लो ये भी झूठा था, सीए कर लो ये भी झूठा था, शादी कर लो ये भी झूठा था, बच्चे जन्म दो ये झूठा था, तेरे को हमने धोखे में रखे थे, असली ज्ञान अभी तुमको बता रहे हैं। बोले क्या है? बोले राम नाम सत्य है, और गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बल गत्य है, सब कई बार झूठा है। जितना जीवन में राम और कृष्ण का नाम लिया वही सत्य है, इसके सिवाय तुमने दुनिया में जो कुछ किया है ना सब झूठे में जीवन बिताया। अभी तेरे साथ में एक सुई धागा भी यहाँ से कोई जा नहीं रहे, पत्नी जाएगी तो रो रो कर कहाँ तक जाएगी, दरवाजा तक जाएगी, जिसको 7 पैर लगा कर तुमने शादी किए थे। परिवार जाएंगे तो कहां तक जाएंगे, शमशान तक जाएंगे, उसका आगे कोई जाएगा नहीं। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोले मिला तो जीवन में क्या मिला, जितने राम का नाम लिया वही मिला, और जगह में सब ही खोवायो, जगह में सब ही खोवायो। इसलिए यहाँ पर कहते हैं पढ़ाई लिखाई का तभी सार्थकता है जब भगवान के नाम में तुम्हारी रुचि हो गई।
अगर सारा दुनिया तुमने पढ़ करके प्रभु का नाम ही नहीं किया, लास्ट में ना जीरो कोला आलू मिलेगा, कोला आलू मिलेगा और कुछ मिलने वाले नहीं। इसलिए क्या करो, भगवान की हरि नाम करो, सवेरे नहा धो कर क्या करना, हरि नाम करो, सबसे पहले हरि नाम। जी भी हमारी क्लास में जुड़ी हुई है ये सब, हाँ जुड़े हुए हैं, सबको जोड़ दो, इसलिए सरिता दीदी की क्लास में जुड़ जाओ, जुड़ी हुई हाँ, तो जुड़ गया तो उसको बड़ा पार हो गया। इसलिए आप लोग जितने यहाँ बैठे हुए ना, सरिता दीदी क्लास में जुड़ जाओ, ठीक है। ये सवेरे उठ करके हरि नाम कराती है, उसके बाद में थोड़ी सी क्लास देती है, अच्छी अच्छी बात बताती है, मंगल आरती भी कराते हैं। हाँ मंगल आरती भी कराते हैं, मंगल आरती करो तो जीवन में मंगल ही मंगल होता है, ठीक है ना। अब सबके सब इनकी जूम में जुड़ जाओ, ठीक है, सब कुछ कराते हैं, सब जुड़े हुए हैं, सब कौन कौन जुड़े हुए, ये लगभग सभी जुड़े हुए, कौन कौन सब जुड़े हो, ये भी तो जुड़े तो हो, गले में कंठी है कि नहीं तुम्हारे सब, सबके सबके कुछ नए नए आए हाँ, अभी तो फालतू हो तो एक दो हरि नाम होने हाँ वाला लाए ना, हाँ हरि का नाम लो और गले में तुलसी की कंठी पहनो, ठीक है ना। ये तुलसी है माँ लक्ष्मी स्वयं है और इसमें भगवान के निवास, गले में कंठी मतलब होता है लक्ष्मी नारायण की निवास गले में, समझ रहे हो। और ये जो तुलसी में कहते पृथ्वी का सबसे ज्यादा जो मेडिसिन है ना, ये तुलसी वृक्ष में सबसे ज्यादा मेडिसिन, जैसे स्नान करोगे इसका टच कर तो ये पानी जाएगा, तो सारे तीर्थ में नहाना हो जाती, सब बीमारी निकल जाती है। इसमें बहुत सारे 200 बीमारी की मेडिसिन है तुलसी में, ठीक है। गले में तुलसी कंठी पहनो। जब महाराज कहते हैं, इधर सुना, जब महाराज कहते हैं जो भजन करते हैं उनको मत लाओ, बोले पता कैसे चलेगा कौन भजन करता नहीं करता, बोले दो तरह के कुत्ते हैं, कितने तरह के, दो तरह, एक पालतू और एक फालतू है। कहते जो पालतू कुत्ते हैं देखना गला में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता है किसी घर के कुत्ते, देखना उसको कोई कुछ नहीं बोलते, और जिसको गले में पट्टे नहीं कहते ये फालतू है, देखना पालतू को तो कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं। इसलिए गले में तुलसी कंठी मतलब हम किसके पालतू है, भगवान की, बांके बिहार की पालतू। अगर गले में कंठी नहीं तो हम कौन हो गए, फालतू। इसलिए हमें फालतू नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, भगवान की पालतू कुत्ते। भैया समझ गए अच्छी तरह से, ये सत्संग में जुड़ी हुई ना, इसलिए ये हर चीज को ये समझ गई, ये फालतू और फालतू है। इसलिए घर में सबके सब क्या बन जाओ, घर में सबके सब पालतू, बाकी बिहार की पालतू बन जाओ और भगवान की हरि नाम करो, ठीक है ना। इसे हरि नाम ही जाएगा, हरि नाम काम में आएगा है। इसलिए एक बार सबके सब हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, और एक बार जोर कर बोलो, बोलो हरे राम। इसलिए भगवान के नाम से क्या होता है, विद्या पढ़ने का सार्थक हो जाती है, ये तीसरा लाभ। बोले चौथा लाभ क्या है, जब ध्यान देकर बोले जो चौथा लाभ है, हाँ चौथा लाभ कहते हैं, कहते श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण। उदाहरण दिया, जैसे देखना दिन में सूरज उदय हो ना गर्मी का समय में सब कुछ तप जाते हैं, लेकिन रात में जब चंद्रमा उदय हो क्या होता है, सब शांति मिलती है। कहते जो भगवान का नाम है ये क्या, ये चंद्रमा जैसे है, जैसे चंद्रमा का किरण से रात में एक फूल खिलती है जिसका नाम कुमुदिनी कहते हैं। हमारा हृदय भी एक फूल है, लेकिन ये जो फूल है ना वो खिला हुआ नहीं, ये बंद हुआ पड़ा है, लेकिन वो खिलेगा कैसे, कल जब भगवान के नाम को जप करेंगे कहते हैं फूल तुम्हारी खिल जाएगी, मतलब क्या आनंद आनंद आ जाएगा भगवान के नाम से, हमें आनंद आनंद की प्राप्ति होगी, ठीक है, आनंद की प्राप्ति होगी। कहते ये चौथा लाभ, पंचमा लाभ क्या है, ध्यान देकर सुनो, बोले आनंदा बुद्धि वर्धनम। भगवान के नाम करने से क्या होता है, तुम्हारी जो आनंद कभी घटेगा नहीं, लेकिन ये जगत में देखना थोड़ी समय के लिए तो कोई आनंद आया फिर गायब हो जाता है ना, कोई थोड़ी समय के लिए आनंद आ जाता है फिर कहीं गायब हो जाता है, लेकिन जो भगवान के नाम जब करेगा ना, कहते भैया उसको जीवन में कभी आनंद गायब होगा ही नहीं, हर समय वो आनंद आनंद में रहेगा, हर समय वो आनंद में रहेगा। लेकिन प्रभु का नाम नहीं जप करोगे ना
क्षण में तुष्ट, क्षण में तुष्ट, क्षण में दुखी। लेकिन प्रभु का जो नाम जप करते हो कभी दुखी रहेंगे नहीं है। कहते राम का दास कभी ना हो निरानंद, क्या बोलते हैं, राम का दास कभी ना हो दास। और के शब्द है, इसलिए कहते हैं भगवान की जो नाम करने से आनंद में डूबे रहोगे। ठीक है, बोले आनंदाम बुद्धि वर्धनम, बढ़ते रहेगी। बोले प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, कहते हर समय में प्रतिपद पद में तुमको एक नई नई आनंद की अनुभूति होगी। आनंद कभी पुराना नहीं होगा, हर समय तुमको नई नई आनंद मिलेगा। और एक दिन कैसे क्या होगा, एक दिन ऐसे समय आएगा संपूर्ण प्रभु की प्रेम में भक्ति में तुम सराबर हो जाओगे। इसलिए हरि नाम से जीव का परम कल्याण और जीव का परम मंगल हरि का नाम से। ठीक है ना, इसलिए सबके सब क्या करना, हरि का नाम जप करना, यही जीवन का सार है। अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर प्रभु का नाम जप कर लिया ना, समझो सब वेद पुराण इतिहास तुमने सब पढ़ ली। अगर तुमने सब कुछ पढ़ लिया प्रभु का नाम ही नहीं कर रहे हो, समझो भाई पढ़ करके भी तुम्हारे कोई बेकार, सबके सब तुम्हारी बेकार है। अगर प्रभु का नाम जप कर लिया तो जीवन में सारे काम तुम्हारी हो गए, सारे काम हो गए। देखो मीरा ने क्या किया, हनुमान ने क्या किया, केवल प्रभु का नाम ही सहारा लिया और कुछ नहीं। सारा दुनिया में जिसकी पूजा पूजा हो रही है, इसलिए बोले ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली, ले लो रे कोई कृष्ण, आवाज लगाओ गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली, ले लो रे कोई राम। आज जिन ने नया मोती लूटे वे सब माला माल हुए, माया के को बन पुजारी आखिर वो कांगाल हुए, नाम धन है। इसलिए सबके सब कहते हैं जिन जिन्होंने ये नाम को जप किया ना, देखो कितने बड़े बड़े धनी हो गए। बोले कौन, बोले तुलसीदास, मीराबाई, हनुमान। देखो धन जगत में पूजा हो रहे हैं, दुनिया में जिनकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन जो लोग केवल ये जगत का पैसा जरूरत है, लेकिन प्रभु का भजन छोड़ कर केवल जगत का पैसा 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 किए, बोले आखिर वो कंगाल हुए है। आखिर में जगत में कहते ना, हाथ मुट्ठी बांधी आया जगत में, हाथ पसारे जाओगे। इसलिए असली धन प्रभु का नाम धन, इसलिए सबके सब हरि नाम करो। ठीक है, मेरे पीछे पीछे बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण सब ताली बजाते हैं। Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare,
बल्कि जो भगवान का नाम लेता है उसको तीन काम हो जाता है। कितना काम हो जाता है? तीन। क्या क्या? ध्यान देकर सुनो। जमपुरी में जम महाराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं। चित्रगुप्त कौन? जो हमारे सारे चित्र को फटो को छुपा करके ना ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे सब उसको पता है। कोई चीज छुपा करके नहीं कर सकता। ऐसे कैमरा ऊपर लगा हुआ है ना, जैसे अभी सत्संग में बैठे हो, ऊपर कैमरा अपने आप घूम रही है, वो फटो ले रहा है। लेकिन जो हरि का नाम करता है कितना महिमा देखो। चित्रगुप्त को जम कहते हैं, भैया रजिस्टर ले आ। बोले क्यों? बोले ये व्यक्ति का नाम को काट दे, ये हरि का नाम ले रहा है ना, अब कभी नरक नहीं आएगा। बोले दूसरा काम किया, बोले ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी आरती की थाला सजाना शुरू कर देते हैं। बोले क्यों? ये हरि का नाम ले रहा है ना, जब भूर भूग हो तो ये ब्रह्मलोक को पार करेगा, उसको बीच में हम उसका आरती उतारेंगे। ये दो काम है। बोले तीसरा काम क्या होता है? तो पीछे दोनों बैठ कर बात करते हो, अलग बैठ जाओ। इसलिए कहते हैं तीसरा काम क्या होता है? बोले तीसरा काम गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को बुलाती है। बोले रजिस्टर ले आ। बोले इसका नाम लिख दे। बोले क्यों? बोले भगवान का नाम ले रहा है ना, सीधा मेरे गोलोक वृंदावन में, गोलोक वृंदावन। इतने महिमा जो भगवान की नाम को लेता है। इसलिए सबके सब ताली बजाते हुए हरि नाम करो। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा बांके बिहारी की, गिरिराज बाबा की।